अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर, आप देख रहे हैं यू बी टेक। जो इस बार और iOS 12.1.3 डेवलपर बीटा 2 आ गया है, इस वीडियो के अंदर मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट जंप इनटू दिस वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा, इसमें नया क्या है, इसका गीग बेंच स्कोर क्या है और क्या आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं, और साथ ही साथ अचानक से अपडेट क्यों आया, इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप शायद सोचें कि डेवलपर बीटा 1 कहाँ, इसका डेवलपर बीटा 1 तो आया नहीं। तो जो 12.1.2 का डेवलपर बीटा 1 था एप्पल, उसको एज अ डेवलपर बीटा 1 कंसिडर किया है और इसको एज अ डेवलपर बीटा 2 कंसिडर किया है। इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह ये है, इसके आने की वजह ये है अचानक से अपडेट की, कि क्वालकॉम ने कहा कि भाई कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो वो वायलेट हो रहे हैं ऐप फीचर की एनिमेशन की वजह से चाइना के अंदर। तो क्वालकॉम ने एक्यूज़ किया एप्पल को कि वो आईफोन सेल्स को बैन कर देंगे चाइना के अंदर। तो इस वजह से एप्पल ने जल्दी से जल्दी अपडेट निकाली और ऐप फीचर का एनिमेशन जो है वो चेंज किया सिर्फ चाइना के अंदर, सारे आईफोन्स के लिए जो चाइना में वर्क कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे इस तरह का क्यों सीन हुआ है, मे बी चाइना के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होंगे। तो ये वजह कि अपडेट आपको देखने को मिली है। उसके अलावा बात करूँ तो यार अपडेट थोड़ी काफ़ी बड़ी थी, बल्कि थोड़ी तो नहीं, अपडेट करने से पहले 26.6 GB था, अपडेट करने के बाद जो था वो 26.05 GB था। तो हाँ, इसने थोड़ी जगह तो ली है और ये यहाँ पर फोकस प्रॉपर नहीं कर पा रहा, मैं कोशिश करती हूँ ये फोकस करे। वेट अ सेकेंड गाइस, वेट अ सेकेंड, ओके फोकस हो गया। हाँ, तो सॉरी फॉर डैट। तो ये वजह हुई है इसकी, ये सीरियस की स्टोरेज का, और ये वजह थी इसके आने की। अब बात करते हैं ऐसा नया क्या है, तो नया तो वो एनिमेशन या जो चैनल के अंदर तो देखने को आपको मिलेगा, उसके अलावा इसमें कुछ भी नया नहीं है। माइनर से बग फिक्स किए गए हैं और एप्पल इसके ऊपर प्रॉपर अभी भी काम कर रहा है, और जो है मेन एप्पल का जो फोकस है वो परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ को बेहतर बनाने के ऊपर है। अब बात कर लेते हैं हम इसके गीगबेंच स्कोर के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गीगबेंच स्कोर की बात करें तो 50 से 90 आपको सिंगल कोर पे देखने को मिलेगा, जबकि 2761 आपको मल्टी कोर स्कोर के ऊपर देखने को मिलेगा। काफ़ी डिसेंट स्कोर है, और 2761 मल्टी कोर के ऊपर जो है ये हाईएस्ट एवर है, इससे मुझे ज़्यादा आज तक देखने को नहीं मिला। जो लास्ट आई थिंक 2743 था शायद, मुझे याद नहीं है प्रॉपर, लेकिन ये हाईएस्ट स्कोर आपको देखने को मिला, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है, बैटरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है। अब सिंपल क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं iOS 12.1.3 बीटा 2 के ऊपर। तो मैं सिंपल कहूँगा यार अभी अपडेट ना करो। आई नो स्कोर काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, बैटरी भी अच्छी होगी, बट मैं सजेस्ट करूँगा अभी ना करो अपडेट। और साथ ही साथ मुझे आप ट्विटर पर फॉलो करो यार, वहाँ पर मैं ट्वीट करता रहता हूँ कि iOS किस तरह काम कर रहा है, सारी चीज़ें किस तरह चल रही है। तो ट्विटर पर मुझे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसको अपडेट तब भी करना जब स्टेबल वर्जन आएगा। तो मैं अगली जो भी परफॉर्मेंस के बारे में चीज़ें वो मैं ट्विटर के ऊपर या किसी स्टोरी में इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हाँ, तो बस यही था इस वीडियो के, तो मुझे उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मैं फिर भी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।